हम इनको अपनी मर्जी से इनकी शादियां करें। तो लोग जैसे हैं वो दूर दूर हैं, एक दूसरे के करीब नहीं है। तो हमारा अखबार था माता एडवाइस के नाम से, उसमें मैंने ये पहले तो सिस्टर बंधन में तो हमने ये बाय मेल भेजते थे सारा कुछ ना। अच्छा, लोगों को खत भेजते थे, लोग हमें खत भेजते थे, हम उनका मैच कर लेते थे और उनको टेलीफोन नंबर एक्सचेंज कर लेते थे। अच्छा, और हमने किसी से आज तक इवन सिंगल $1 भी चार्ज नहीं किया। ग्रेट, बीस बार शादियां करवाई। उसके बाद जब हमारा अखबार था मैंने फिर ये सिलसिला दोबारा शुरू किया कुंगट के नाम से। हम अखबार में फिर इश्तेहार लगाते थे, उनकी वो शादियाँ होती थी वहाँ जाके उनको गिफ्ट भी देते थे, दुआएं भी देते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चलता रहा जब तक हमारा अखबार था। लेकिन अब भी लोग टेलीफोन कॉल करते हैं, इसमें मेरे साथ मेरी दोस्तों ने साथ दिया था जिसमें रूबीना अहमद थी और उसके बाद हमारे साथ आब्दा खान थी, फजल हक सैयद थे। हम लोग बैठ के शाइस्ता थी, हम लोग बैठ के बाकायदा इस पर काम करते थे, मैचेस करते थे और उनको सिर्फ नंबर जो है ना वो एक दूसरे को एक्सचेंज कर देते थे। क्योंकि किसी की वो गारंटी लेना तो आज के ज़माने में आप अपनी औलाद की भी गारंटी नहीं लेते। हकीकत है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चला। और बहुत सारे मैं समझती हूँ कि कुंवर के बहुत सारे कामों में लोगों की दुआएं हैं और बड़ा नेक काम है जो आपने किया, यकीन जाने ये बहुत नेक काम है। जी। और लोग बहुत, जिस तरह लोग दुआएं देते थे वो लगता है बस बिल्कुल अर्श तक जाती है। और ये दुआएं आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से भी निकालती हैं। अच्छा, पाकिस्तानी कम्युनिटी आप क्या समझती हैं कि वहाँ पर जैसा हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं फिर अच्छी जॉब करते हैं, तो आप समझती हैं कि कंपेयर अगर किया जाए वहाँ पर यहाँ के मुकाबले में जॉब्स अच्छी हैं, सेफ्टी है? बेशक बेशक यहाँ पे जॉब बहुत अच्छी है। अगर आपके पास तालीम है तो यहाँ पे आपको कोई रोक नहीं सकता। इवन जो जिन लोगों के पास तालीम नहीं है उनको भी जिस तरह सही कहते हैं ना पसीना खुश होने से पहले मारता मिल जाए, तो यहाँ पे यही सिस्टम है। देखिए इस्लामी अगर हाँ ये तरीका कार है और हमें रो रो के रुलाते हैं ये लोग, अब मतलब वन टू ऑल माशरा पूरा ही अजीब हो चुका है हमारा। हमारे जितने इकदार हैं मुसलमानों के मैं समझती हूँ इस मुल्क ने ले लिए हैं, सवाए इसके कि इसने कलमा नहीं पढ़ा। अगर ये कलमा बिल्कुल पढ़ें तो मैं समझती हूँ बेहतरीन मुसलमान हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल ये अच्छा। चांद रात क्या है? चांद रात ऐसा है कि उसमें तो मेन रीजन ये था कि मेरी बेटी जो है छोटी थी तो हम उसको जब ईद आती थी तो चूड़ियाँ पहनाने लेके जाते थे, कभी यहाँ जा रहे हैं कभी वहाँ जा रहे हैं, तो बड़ा मसाइल होती थी। तो हमने कहा कि हम बच्चों को बताएं कि चांद रात क्या है। तो हम यहाँ पर एक जगह ली, उस मैंने पाकिस्तान से पूरा कंटेनर चूड़ियों को मंगवाया। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे चूड़ियाँ मेहंदी फेशियल और ईदी ये लोगों में मुफ्त तकसीम की। अरे वाह। और जिन लोगों ने वो स्टॉल लगाए हमने उनके स्टॉल के भी पैसे नहीं लिए। दो रात करते थे हम चांद रात की, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ ये होता है कि कभी कल ईद है या नहीं है। बिल्कुल हाँ, अगर ईद हो जाती थी तो एक महीना दो चांद रात होती थी। तो उसमें माशाल्लाह जितने लोग आते थे, एक दफा अल्लाह जन्नत नसीब करे अब्दुल सत्तार इतनी आए थे, उन्होंने अपने हाथों से हम उनको लिफाफे बना के देते थे कि ये लिफाफे। अच्छा। एक एक बच्चा आता था उनको लिफाफा दे देते थे, उसमें पैसे होते थे डॉलर होते थे कि आप ये जो है बच्चों को पता चले कि चांद रात क्या है। हम मेहंदी फ्री लगाते थे, चूड़िया जो है वो सबको पहनाते थे कि ये आए अपने बच्चों को चूड़िया पहना के जाए। तो अल्लाह का शुक्र उस वो भी बहुत अच्छा रहा।
फिर ये हुआ कि पाकिस्तान से जो टीवी चैनल आए और वो हुआ, उस